दिन भर दिन कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि आए दिन अब कोई ना कोई ऐसी स्टडी सामने आ जाती है जिससे चिंता और बढ़ जाती है। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के वैज्ञानिकों के शोध में सामने आया है कि कोरोना महामारी के दौर में 93% लोगों की एंटीबॉडी 5 महीने में ही खत्म हो चुकी है और नतीजतन सिर्फ 7% लोगों में ही एंटीबॉडी बची है। शोध के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो सकती है। ऐसे में कोरोना से लड़ने में वैक्सीन ही एकमात्र कारगर हथियार है। आपको बता दें कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में BHU के इस शोध को जगह मिली है। BHU के जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की अगुवाई में वैज्ञानिकों की टीम ने बीते वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच बनारस के लोगों पर सीरो सर्वे किया था। इसमें पता चला कि जिन 100 लोगों में 40% तक एंटीबॉडी थी, 5 महीने बाद यानी इस वर्ष मार्च तक उनमें से 93 लोगों में 4% ही एंटीबॉडी बची थी। सिर्फ 7 लोग ही ऐसे थे जिनमें पूरी एंटीबॉडी बची थी। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी और उनमें एंटीबॉडी नाम मात्र की बनी थी। ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आए और मौत भी उन्हीं की सबसे ज्यादा हुई। वहीं जिन संक्रमितों में एंटीबॉडी बनी भी वो 6 महीने से पहले ही खत्म हो गई और इसलिए अब ऐसे लोग कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने से बच नहीं पा रहे हैं। BHU के वैज्ञानिकों की टीम अब कोरोना टीकाकरण कराने वालों पर शोध कर रही है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने बताया कि शुरुआती परिणाम में सामने आया है कि पहली लहर में संक्रमित होने वालों में टीकाकरण के बाद हफ्ते 10 दिन में एंटीबॉडी बन गई, जबकि जो लोग पहली लहर में संक्रमित नहीं हुए थे उनमें एंटीबॉडी बनने में 4 सप्ताह तक समय लग गया। इसकी वजह वो संक्रमितों की इम्यूनिटी में मेमोरी बी सेल का निर्माण होना बताते हैं। बता दें कि मेमोरी बी सेल नए संक्रमण की पहचान कर व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय कर देती है, इसलिए जो लोग पिछली बार संक्रमित हुए थे वे दूसरी लहर में जल्द ठीक हो गए, लेकिन जो लोग पहली लहर की चपेट में आने से बच गए थे दूसरी लहर में उनमें मृत्यु दर ज्यादा देखी जा रही है। और इस स्टडी से फिलहाल सिर्फ ये समझा जा सकता है कि अब जब कोरोना दोबारा हमारी जिंदगी में रूप बदल कर कदम रख चुका है तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और टीकाकरण करवाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।